काल पंचायत के तहत आने वाले गांव अमनेड़ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त से अपनी समस्या को लेकर मिला। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत पत्र में बताया कि अमनेड़ गांव में टावर के स्थापित होने से आने वाली पीढ़ी के बच्चे प्रभावित करेगा। टावर लगने से रेडियस पैदा होने से लोगों को मानसिक व शारीरिक रूप से काफी प्रभावित कर रही है। युवक मंडल के प्रधान यशपाल डोगरा, पूर्व प्रधान रणवीर ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य नवीन शर्मा, ताल पंचायत के उपप्रधान जय चंद तथा ग्राम सुधार सभा के प्रधान ज्ञानचंद, पूर्व सैनिक ब्रिजलाल दिमान सहित ग्रामीणों ने कड़ी संख्या में अपना हस्ताक्षरित पत्र उपायुक्त को देकर मांग की है कि वे गांव में स्थापित होने वाले इस पावर ग्रिड को बंद करने के आदेश दिए जाएं, जिससे गांव के लोग राहत की सांस ले सकें। गांव के करीब 60 लोगों ने अपना हस्ताक्षरित शिकायत पत्र भी उन्हें सौंपा तथा इस पर शीघ्र प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की। दूसरी ओर इस संदर्भ में उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वे मौके की पूरी रिपोर्ट स्वयं देखेंगे तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी इस संदर्भ में पूरी जानकारी ले जाएगी। ये हम इसलिए मिले के आज एक मोबाइल का भी जो मिशन होता है उसे भी एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है, एक मोबाइल का सेहत का फर्क पड़ता है। और हमारे यहाँ कंकरी में एक पावर ग्रिड बना है जो बिजली 11,000 वोल्ट को 440 में करती है। उस इमिशन से हमारे यहाँ बारिशें खत्म हो गई, दो टावर आड़े लगे हुए हैं, एक टावर अभी एक्स जो हमारी जिला परिषद है वो हमारे गांव में लगना चाहती है बनेड़ में, तो उससे और फर्क पड़ेगा लोगों की जो सेहत में फर्क पड़ेगा, लोगों की हमारे जो एनवायरमेंट में फर्क पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि उस टावर को वहाँ नहीं लगाया जाए और वो कहीं और लगाया जाए जो गांव के हदूद के बाहर हो। इसलिए नहीं मिले उनको दिया, वो कहते हैं वो मौका देखेंगे, हम मौका देखेंगे। हम चाहेंगे ये सरकार से, हमें चीफ मिनिस्टर साहब से या जो हमारे किसान मंत्री किसान हैं उनके हमें बेनती करते हैं कि किसानों के जो प्रॉब्लम आ रही है कि बारिश जो बहुत कम हो रही है वहाँ पर इस मिशन की वजह से, तो और मिशन अगर टावर लगेगा तो और मिशन होगा जिससे हमारे जो वहाँ के वातावरण में इतना फर्क पड़ेगा कि जिम्मेदार हमारे किसान भाई, हमारे बेटे ये पोते हैं यहाँ पर, इन्हीं ने अभी जिंदगी गुजारनी है, हमने नहीं गुजारनी। हम तो चले बात, एक टावर लग रहा है हमारे गाँव के बिल्कुल बीचों बीच, और कल को हो सकता है कि दो टावर और लग जाए तो उससे फिर ज़्यादा प्रदूषण, और उसमें कल को बच्चे और उनके भी विषय के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डीसी साहब से मिले, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से टावर को हटाया जाए और कहीं और लगाया जाए।